क्वेश्चंस हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 1.1 चल रही थी, उसमें से हमारा हमारे 18 तक एग्जांपल हो चुके थे। तो आज के इस लेक्चर में हम 19 से लेकर इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। ठीक है श्वन, जो भी होमवर्क दिए थे वो आपको सॉल्व करना है और ग्रुप में भेजना है। देखो 19 वाला क्वेश्चन, गिवन दैट इफ ए प्लस 3i अपॉन 2 प्लस ib व्हिच इज इक्वल टू 1 माइनस i, वी हैव टू शो दैट 5a माइनस 7b इक्वल टू b। ये हमको ग्रुप करना है। ये ग्रुप करने के पहले श्वन मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, a और b की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको पता है कि शो दैट के क्वेश्चन में इफ करके जो दिया रहता है वो गिवन रहता है। तो पहले मैं गिवन लिख रहा हूं, क्या दिया है गिवन स्टूडेंट्स, ए प्लस 3i अपॉन 2 प्लस ib, ये गिवन दिया है, विच इज इक्वल टू 1 माइनस i। मैं क्या कर रहा हूं, ये डिनोमिनेटर में ना उसको राइट हैंड साइड लिख रहा हूं, तो ऑब्वियसली वो किस में चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। ए प्लस 3i इक्वल टू मुझे मिलेगा 1 माइनस i इंटू 2 प्लस ib। इसका मल्टीप्लीकेशन कर लो स्टूडेंट, ये आएगा 2 प्लस आई बी माइनस 2i माइनस बी आई स्क्वेयर। वी नो दैट वैल्यू ऑफ i स्क्वेयर इक्वल टू माइनस 1, तो क्या मिलेगा, इंप्लाइज a प्लस 3i इक्वल टू 2 प्लस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, b माइनस 2i i कॉमन माइनस b i स्क्वेयर की वैल्यू माइनस 1, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 2 प्लस बी माइनस 2i माइनस माइनस प्लस b, तो ये यहां पे सेम ही आएगा। देयरफॉर a प्लस 3i ना, यस a प्लस 3i इक्वल टू, ये रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट के एडिशन मैंने ये पे कर लिया स्टूडेंट, रियल पार्ट आएगा 2 प्लस b और इमेजिनरी पार्ट लिखा ही है b माइनस 2 इंटू i। देखो ये a प्लस बी आई के फॉर्म में है और ये भी a प्लस बी आई के फॉर्म में है। मैं बोल सकता हूं बाय इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वेटिंग रियल एंड इमेजरी पार्ट्स सेपरेटली, तो क्या मिलेगा स्टूडेंट मुझे, यहां पे देखो a प्लस 2 प्लस b विच इज इक्वल टू a, ये इक्वेशन 1, और यहां पे मिल रहा है b माइनस 2 विच इज इक्वल टू 3, ये होगा इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में से स्टूडेंट मैं किसकी वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, b की वैल्यू, तो b इक्वल टू 3 प्लस 2, तो b की वैल्यू क्या मिल रही है स्टूडेंट मुझे, देयरफॉर b इक्वल टू 5। ये वैल्यू आपको वन में पुट करना है, मैं यहां पे पुट कर रहा हूं, पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज 2 प्लस b की वैल्यू 5 विच इज इक्वल टू a, देयरफॉर a इक्वल टू कितना मिल रहा है, a की वैल्यू 7 और b की वैल्यू 5, देयरफॉर a इक्वल टू 7 एंड b इक्वल टू 5। नाउ ये मुझे प्रूव करना है, अभी मैं LHS ले रहा हूं, LHS क्या है स्टूडेंट्स, LHS है 5 माइनस 7b विच इज इक्वल टू 5 वैल्यू ऑफ a 7 माइनस 7 इंटू वैल्यू ऑफ b 5, तो ये हो रहा है 35 माइनस 35 विच इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर 5a माइनस 7b विच इज इक्वल टू 0, ये हो गया प्रूफ स्टूडेंट्स। ठीक है, 19 वाला एग्जाम्पल हो गया, इसको आप नोट डाउन करके रख लो। उसके बाद हम 20 वाला एग्जाम्पल लिख लेते हैं, 20 वाला एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क ले इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो गिवन क्या दिया हमको, ये गिवन दिया है और ये मुझे प्रूफ करना है, इसको मैं मार्क कर रहा हूं, ये मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है स्टूडेंट्स। देखो पहले गिवन क्या दिया है वो लिख लो, क्या दिया है गिवन, x प्लस आई वाई विच इज इक्वल टू a प्लस आई बी अपॉन c प्लस आई डी। अभी स्टूडेंट मुझे इसको सॉल्व करना है,
तो ये वैल्यू रूट में, ये वैल्यू मुझे रूट हटाना है यहाँ पे, क्या करना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो क्या मिलेगा सर मुझे, x प्लस आई वाई होल स्क्वेयर इक्वल टू, ये रूट चला जाएगा तो यहां पे आएगा a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी। तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है सोन, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये आएगा x स्क्वेयर प्लस टू एक्स वाई आई प्लस वाई स्क्वेयर आई स्क्वेयर विच इज इक्वल टू। और यहाँ पे स्टूडेंट ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये जेड वन अपॉन जेड टू के फॉर्म में, ठीक है, तो इसको मैं रैशनलाइज कर रहा हूं डिनोमिनेटर से, तो सी माइनस आई डी अपॉन यहाँ पे भी आएगा सी माइनस आई डी। अभी क्या करना है स्टूडेंट, आई स्क्वेयर इक्वल टू माइनस वन होता है तो आई स्क्वेयर की वैल्यू माइनस वन यहाँ पे पुट कर लो पहले, तो आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर वैल्यू ऑफ आई स्क्वेयर माइनस वन इक्वल टू, इसका मल्टीप्लीकेशन कर लो, ये आएगा ए सी माइनस ए डी आई प्लस बी सी आई माइनस बी डी बी इंटू डी दैट इज बी डी आई स्क्वेयर अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर आई स्क्वेयर। यहां पे भी अभी क्या पुट करना है, आई स्क्वेयर की वैल्यू, और इस साइड स्टूडेंट ये रियल पार्ट है जिसमें यहां पे आई चाहिए, जिसमें आई नहीं है वो रियल पार्ट है, रियल पार्ट एक ब्रैकेट में लिख रहा हूं एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस टू एक्स वाई इंटू आई विच इज इक्वल टू ए सी, मैं ये प्लस वाली टर्म पहले लिख रहा हूं स्टूडेंट, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं बी सी आई माइनस ए डी आई माइनस बी डी और आई स्क्वेयर की वैल्यू माइनस वन अपॉन सी स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर आई स्क्वेयर की वैल्यू माइनस वन। तो क्या मिलेगा मुझे स्टूडेंट, इंप्लाइज एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस टू एक्स वाई इंटू आई विच इज इक्वल टू, ये क्या मिलेगा देखो ए सी प्लस बी सी आई माइनस ए डी आई माइनस माइनस प्लस, क्या मिलेगा अभी माइनस माइनस प्लस बी डी अपॉन ये भी माइनस माइनस प्लस सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। अभी नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट देयर फॉर एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस टू एक्स वाई इंटू आई, यहां पे देखो न्यूमरेटर में रियल पार्ट का एडिशन कर लो और रियल पार्ट एक ब्रैकेट में लिख लो ए सी प्लस बी डी ए सी प्लस बी डी और ये, और यहां से कॉमन क्या आ रहा है सो आई कॉमन आ रहा है बी सी माइनस ए डी इंटू आई, क्या यहां पे बी सी माइनस ए डी बी सी माइनस ए डी इंटू आई अपॉन सी स्क्वायर डी स्क्वायर दोनों के डिवाइड में स्टूडेंट्स, तो मैं यहीं पे सेपरेट कर रहा हूं, तो ये आएगा सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर और इसके अपॉन में भी सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। देखो अभी ये इस फॉर्म में ए प्लस बी आई के फॉर्म में और ये भी ए प्लस बी आई के फॉर्म में, कैन आई राइट इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स सेपरेटली, ठीक है, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेटली, क्या मिलेगा सो मुझे देयर फॉर एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल टू ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, ये रियल पार्ट हो गया, इसको मैं इक्वेशन वन दे रहा हूं, एंड टू एक्स वाई इक्वल टू बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, ये हो गया इक्वेशन टू, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी देखो आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होल स्क्वेयर है, तो देखो मैं इसको अभी कैसे लाया, यहाँ पे तो माइनस वाई स्क्वेयर है, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर है, इधर आप बता रहा हूं मैं, देखो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर उसका होल स्क्वेयर कितना आता है,
एक्स रेस्ट पावर फोर प्लस ठीक है इसको बोर्ड में लिख रहा हूं आप समझ लो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होल स्क्वेयर ये कितना आया था स्टूडेंट एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस वाई रेस्ट पावर यहां पे फोर चाहिए वाई रेस्ट पावर फोर और एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर क्या आता है स्टूडेंट होल स्क्वेयर यहां पे ए माइनस बी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला ये आता है एक्स रेस्ट पावर फोर माइनस टू एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस वाई रेस्ट पावर फोर अभी क्या कर रहा हूं स्टूडेंट मैं इसमें से ये माइनस कर रहा हूं क्या कर रहा हूं एक्स रेस्ट पावर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होल स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर होल स्क्वेयर ये इससे माइनस कर रहा हूं तो ये यहां पे माइनस का साइन आएगा यहां पे प्लस का यहां पे माइनस का तो कांडा कैंसल दिस ये कैंसल हो जाएगा और ये माइनस के जगह यहां पे प्लस तो टू एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस टू एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर दैट इज फोर एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होल स्क्वेयर इक्वल टू ये माइनस राइट हैंड साइड में प्लस हो जाएगा तो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर होल स्क्वेयर प्लस फोर एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर यानी स्टूडेंट मुझे इसकी वैल्यू क्या मिल गई यही मुझे प्रूव करना है ना एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होल स्क्वेयर इसकी वैल्यू मिल गई ये एक्स माइनस वाई होल स्क्वेयर प्लस फोर एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर अभी मैं इसको डायरेक्ट यहां पे लेके सॉल्व कर सकता हूं इसको आप ये जो है कर्ली ब्रैकेट में आप लिख लेना देयरफॉर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होल स्क्वेयर इक्वल टू क्या आ रहा है फॉर्मूला एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर होल स्क्वेयर प्लस फोर एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर स्टूडेंट यहाँ पे x और y वेरिएबल था इसलिए मैंने a प्लस बी का फॉर्मूला x और y वेरिएबल में लिखा है एक्चुअली ये फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वेयर का ही है a माइनस बी होल स्क्वेयर का ठीक है तो x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर की वैल्यू है ये क्या आएगा ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर होल स्क्वेयर प्लस फोर देखो फोर एक्स स्क्वेयर को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना टू एक्स वाई होल स्क्वेयर अभी यहां पे क्या करना है स्टूडेंट आपको ये आएगा ए सी प्लस बी डी होल स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर होल स्क्वेयर प्लस टू एक्स वाई की वैल्यू क्या ये है ये वैल्यू आएगी बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर होल स्क्वेयर ठीक है ना उसके बाद स्टूडेंट अभी यहां पे ब्लैकबोर्ड पे ज्यादा स्पेस नहीं है इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो मैं इस साइड का इरेज कर रहा हूं ठीक है देखो इस साइड का मिटा रहा हूं मैं देखो अभी क्या आ गया है देयरफॉर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होल स्क्वेयर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला अप्लाई करो यहां पे तो ये क्या मिलेगा मुझे ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस टू टाइम्स ऑफ क्या आएगा ए सी बी डी प्लस बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर अपॉन देखो सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर कॉमन है यहां पे स्पेस नहीं स्टूडेंट में नीचे लिख रहा हूं ये आएगा ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस टू टाइम्स ऑफ ए बी सी डी डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं ए बी सी डी प्लस बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर अपॉन ठीक है प्लस इसका भी स्क्वेयर है ये आएगा बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस
टू ए बी सी प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर। यह एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, अपॉन ये डिनोमिनेटर सेम है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल स्क्वायर, ये हो गया। देयरफॉर ये अभी लेफ्ट हैंड साइड में रहने देता हूं। यहां पे देखो स्टूडेंट टू ए बी ये और ये सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, अपोजिट साइन है। इसमें रियल पार्ट ये है और ये रियल पार्ट है, चारों रियल पार्ट है, मैं ये और ये ले रहा हूं। देखो पास में ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये पार्ट प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर सेकंड ब्रैकेट में निकला हूं प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल स्क्वायर। देखो स्टूडेंट यहां से कॉमन क्या आ रहा है, यहां से सी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, मैं यहां पे लिख सकता हूं ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस यहां से कॉमन क्या आ रहा है डी स्क्वायर आ रहा है तो यहां पे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पहले लिख रहा हूं एक ही बात है प्लस में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, डी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो देखो यहां पे क्या बच गया स्टूडेंट, यहां पे ये ब्रैकेट कॉमन आ रहा है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहां पे आ रहा है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल स्क्वायर, तो एक यहां पे कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। और यहां पे क्या है देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये था स्टूडेंट्स जो हमको क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चन का प्रूफ, यहां पे आप लिख सकते हो हेंस प्रूफ, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट एग्जांपल नंबर, कौन सा एग्जांपल नंबर है, एग्जांपल नंबर 20। इस एग्जांपल में अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है, अदरवाइज प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम्पल आ जाएगा। लिख लो एग्जाम्पल, ये देखो स्टूडेंट उसके बाद 21, 22 और 23 वाला एग्जाम्पल देख लेंगे। ये एग्जाम्पल में क्या करना है स्टूडेंट आपको, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये Z1 और ये Z2, तो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से सॉल्व करना है, रैशनलाइज करना है 1 प्लस i से। तो ये एग्जाम्पल जो है स्टूडेंट ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये एग्जाम्पल सिंपल है लेकिन थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन है इसलिए मैं ये बता रहा हूँ आपको। 23 वाला एग्जाम्पल सिमिलर है तो मैं आपको यहाँ पे बोलूंगा कि रेफर एग्जाम्पल नंबर 18 वाला एग्जाम्पल मैंने जो बताया स्टूडेंट आपको सिमिलर एग्जाम्पल है, ठीक है। बस यहाँ पे एक्स प्लस आई वाई क्यूब जो है ना ये राइट हैंड साइड में ए प्लस बी होल क्यूब दिया है तो यहाँ पे अल्टीमेटली ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना है लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, और बाय इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट से इक्वेटिंग करके उसको सॉल्व करना है। तो सेम एग्जाम्पल आप ट्राई करके देखो, 18 वाला एग्जाम्पल होमवर्क है, 18 वाला एग्जाम्पल रेफर करो, 23 वाला एग्जाम्पल होमवर्क है। अभी मैं ये वाला एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, कौन सा एग्जाम्पल, ये 22 वाला एग्जाम्पल क्या दिया है, शो दैट, मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल लिख रहा हूं, 7 प्लस आई रूट 3 अपॉन रूट 7 माइनस आई रूट 3 प्लस रूट 7 माइनस आई रूट 3 अपॉन रूट 7 प्लस आई रूट 3। बताना है कि ये रियल है यानी इसका रियल है यानी इमेजिनरी पार्ट नहीं आएगा तो रियल नंबर बन जाएगा। सॉल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ये आएगा रूट 7 प्लस आई रूट 3 इंटू ये ब्रैकेट रूट 7 प्लस आई रूट 3 प्लस रूट 7 माइनस आई रूट 3 इंटू दिस ब्रैकेट रूट 7 माइनस आई रूट 3 अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी, इसका भी मल्टीप्लीकेशन नेक्स्ट स्टेप में कर लूंगा मैं, आई रूट 3 इंटू रूट 7 प्लस आई रूट 3। देखो स्टूडेंट क्या मिलेगा मुझे,
इसका मल्टीप्लीकेशन रूट सेवन इंटू रूट सेवन सेवन प्लस ये आएगा सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन रूट ट्वेंटी वन आई प्लस सेवन थ्री जा रूट ट्वेंटी वन आई प्लस रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री आई इंटू आई आई स्क्वेयर प्लस ब्रैकेट नहीं लिख रहा हूं क्योंकि साइन प्लस का ही है। यहां पे भी रूट सेवन इंटू सेवन सेवन माइनस रूट ट्वेंटी वन आई ठीक है माइनस सेवन थ्री जा ये भी आएगा रूट ट्वेंटी वन आई माइनस माइनस प्लस थ्री आई स्क्वेयर ए प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर रूट सेवन इंटू रूट सेवन सेवन माइनस थ्री रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री आई इंटू आई आई स्क्वेयर। तो देखो यहाँ पे जहां जहां पे पुट आई स्क्वेयर है पुट आई स्क्वेयर इक्वल टू माइनस वन ये आपको पुट करना है तो कितना आएगा स्टूडेंट देयर फॉर बी इक्वल टू सेवन प्लस देखो रूट ट्वेंटी वन आई प्लस रूट ट्वेंटी वन आई कितना आता है टू रूट ट्वेंटी वन आई टू रूट ट्वेंटी वन आई प्लस थ्री आई स्क्वेयर की वैल्यू यहां पे पुट कर लो विच इज माइनस वन माइनस वन ट्वेंटी वन रूट आई कितना होगा माइनस टू रूट ट्वेंटी वन आई यहां पे भी आई स्क्वेयर की वैल्यू पुट कर लो प्लस माइनस वन थ्री इंटू माइनस वन अपॉन सेवन माइनस थ्री आई स्क्वेयर की वैल्यू माइनस वन ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसल हो रही है क्या मिलेगा मुझे सेवन माइनस थ्री और ये भी सेवन माइनस थ्री और ये भी माइनस थ्री अपॉन सेवन प्लस थ्री तो ये कितना आ रहा है स्टूडेंट सेवन माइनस सिक्स अपॉन टेन तो ये आ रहा है वन बाय टेन ठीक है स्टूडेंट्स। इसको लिख लो आप यहां पे देखो स्टूडेंट ये सेवन मैंने नहीं लिखा है यहां पे तो सेवन और ये सेवन कितना होगा फोर्टीन होगा तो यहां पे कितना चाहिए फोर्टीन चाहिए तो फोर्टीन माइनस सिक्स फोर्टीन माइनस सिक्स या आ गया स्टूडेंट एट बाय टेन एट बाय टेन यानी कितना होता है टू फोर जा टू फाइव जा एंड देर फॉर फोर बाय फाइव रियल नंबर ही बोला था ना इज अ रियल फोर बाय फाइव इज रियल नंबर है ये रियल नंबर ये हो गया स्टूडेंट प्रूफ। 22 वाला क्वेश्चन 21 और 23 मैंने आपको होमवर्क दिया है वो आपको सॉल्व करना है उसमें अगर कुछ डिफिकल्टी आती है देन यू कैन आस्क मी। देखो स्टूडेंट उसके बाद 24 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई वी सैटिस्फाइड द फॉलोइंग इक्वेशन एंड वी हैव टू गिवन दैट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर जो भी आंसर आएगा हमारा वो क्या आएगा रियल नंबर में आएगा एक्स और वाई की वैल्यू ये एग्जाम्पल दिया है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं एक्स प्लस टू वाई प्लस सिंपल एग्जाम्पल है ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये फोर ये देखो यहाँ पे ये रियल पार्ट है इमेज पार्ट है ये डबल इमेज पार्ट है ना इसमें एक रियल पार्ट है तो ये इमेज पार्ट मैं राइट हैंड साइड में भेज रहा हूं ये आएगा फाइव माइनस फोर आई अभी ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं यहां पे लिख सकता हूं इक्वेटिंग रियल एंड इमेजरी पार्ट रियल एंड इमेजरी पार्ट्स सेपरेटली ऑन बोथ साइड वी गेट क्या मिल रहा है मुझे स्टूडेंट्स मुझे मिल रहा है एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू फाइव ये हो गया इक्वेशन वन एंड टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू टू सॉरी टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू क्या मिल रहा है माइनस फोर मिल रहा है इसको मैं इक्वेशन टू बोल रहा हूं स्टूडेंट्स। तो देखो जनरली हमको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कोएफिशिएंट सेम चाहिए तभी वो सॉल्व होता है एक तो ये एक्स के कोएफिशिएंट सेम चाहिए या फिर वाई के तो मैं वाई के कोएफिशिएंट सेम ला रहा हूं इसको मैं टू से मल्टीप्लाई करता हूं इसको इसको थ्री से इसको टू से मल्टीप्लाई वन बाय थ्री ठीक है इक्वेशन वन इंप्लाइज थ्री एक्स प्लस थ्री टू जा
6y equal to 5 3 जा 15, ये हो गया इक्वेशन 3। यहां पे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना था, इक्वेशन 2 इंप्लाइज क्या मिलेगा स्टूडेंट मुझे, 2 टू जा 4x माइनस 3 टू जा 6y इक्वल टू 4 टू जा माइनस 8, ये हो गया इक्वेशन 4। अभी देखो एडिशन करनी पड़ेगी, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा अपोजिट साइन है, तो एडिशन करनी पड़ेगी। मैं यहां पे लिख सकता हूं एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, तो क्या मिलेगा मुझे 3x प्लस 6y इक्वल टू 15 प्लस 4x माइनस 6y इक्वल टू माइनस 8। एडिशन करते हुए स्टूडेंट साइन चेंज नहीं होता है, आएगा 7x, ये कैंसल, 15 माइनस 18 कितना आता है स्टूडेंट्स 7, देयरफॉर x इक्वल टू 1, x की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है। ये आपको पुट करना है, पुट इन इक्वेशन, किसमें पुट करना है कोई भी इक्वेशन में पुट कर लो, मैं x में 1 को ही पुट कर रहा हूं, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या मिलेगा मुझे देखो, x की वैल्यू 1 प्लस 2y इक्वल टू 5, देर फॉर 2y इक्वल टू 5 माइनस 1, देर फॉर 2y इक्वल टू क्या मिल रहा है मुझे स्टूडेंट 5 माइनस 1 4, देर फॉर y इक्वल टू 4 टू दैन 2, y की वैल्यू 2 आ रही है, x की वैल्यू 1 आ रही है। आप x और y की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, राइट हैंड साइड सेटिस्फाइड होती है क्या, 1 2 टू द 4 4 प्लस 1 5 सेटिस्फाइड हो रही है, और ये रियल नंबर ही है, यार आप लिख लो देयरफॉर x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2। ये हो गया स्टूडेंट हमारा एग्जांपल नंबर 1। हेलो देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद जो एग्जांपल है सेकंड थर्ड कौन से 24 एग्जांपल, जो स्टूडेंट 24 वाला क्वेश्चन है, जो 24 वाला क्वेश्चन है उस 24 के फर्स्ट एग्जाम्पल हो चुका है। सेकंड एग्जाम्पल में क्या करना है स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसको सॉल्व करना है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है जो न्यूमरेटर में दिए है वो, ठीक है स्टूडेंट, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करना है। तो ये एग्जाम्पल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट, ये एग्जाम्पल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। उसके बाद ये एग्जाम्पल में थोड़ा करेक्शन है, यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक में क्या दिया है 2 + 3i दिया है, तो मैंने एग्जाम्पल सॉल्व करके देखा है 2 + 3i से, तो जो मुझे आंसर मिल रहा है वो आंसर लास्ट आंसर से मैच नहीं हो रहा है, तो इसमें करेक्शन ये है कि 2 + 3i की जगह आपको लिखना है स्टूडेंट्स 2 - 3i अगर मैं लिखता हूं तो इसका आंसर मिल रहा है मुझे। तो फर्स्ट ये होमवर्क दिया मैंने, ये एग्जाम्पल सॉल्व कर लूंगा मैं, ये बता रहा हूं मैं, और इस थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल में से कोई भी एग्जाम्पल बता रहा हूं और उसमें से एक एग्जाम्पल आपको होमवर्क दे देता हूं। तो देखो स्टूडेंट्स थर्ड वाला एग्जाम्पल क्या दिया है, एक्स प्लस आई वाई अपॉन 2 + 3i प्लस 2 + i 2 - 3i, कुछ भी नहीं इस एग्जाम्पल में स्टूडेंट, सिंपल कैलकुलेशन है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। क्या होगा एक्स प्लस आई वाई इन टू 2 - 3i प्लस 2 + i इन टू 2 + 3i अपॉन इसका मल्टीप्लीकेशन 2 + 3i इन टू 2 - 3i विच इज इक्वल टू एज इट इज 9/13 प्लस 1 + i सेम रख लो। अभी मल्टीप्लीकेशन कर लो इसका, क्या होगा एक्स इंटू 2 2x माइनस 3xi प्लस 2yi माइनस 3yi स्क्वायर प्लस ये 2 टू जा 4 प्लस 3 टू जा 6i प्लस 2i प्लस 2 टू जा 4 प्लस 3 टू जा 6i प्लस 2i प्लस 3i स्क्वायर। अपॉन
ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी क्या आता है स्टूडेंट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा फोर माइनस नाइन आई स्क्वायर, और ये एज इट इज नाइन बाय थर्टीन वन प्लस आई। देखो स्टूडेंट अभी जहां पे आई स्क्वायर की वैल्यू है वहां पे आई स्क्वायर की वैल्यू भी पुट कर लो, टू एक्स और एक्स की टर्म कहां पे रियल पार्ट, रियल पार्ट कहां पे, पहले मैं आई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेता हूं, थ्री एक्स आई प्लस टू वाई आई माइनस थ्री वाई, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन प्लस फोर प्लस सिक्स आई प्लस टू आई कितना आएगा एट आई प्लस थ्री आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन अपॉन फोर माइनस नाइन आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, यह एज इट इज रखना है नाइन बाय थर्टीन वन प्लस आई। क्यों एज इट इज रखना है, क्योंकि देखो फोर प्लस नाइन थर्टीन होता है, वो मैं उधर साइड लेके जा रहा हूं, थर्टी थर्टी कैंसिल हो रहा है। देखो नेक्स्ट स्टेप में अभी देखो स्टूडेंट्स, टू एक्स माइनस थ्री एक्स आई प्लस टू वाई आई माइनस माइनस प्लस थ्री वाई प्लस फोर प्लस एट आई माइनस प्लस माइनस माइनस थ्री अपॉन माइनस माइनस प्लस फोर प्लस नाइन थर्टीन विच इज इक्वल टू नाइन बाय थर्टीन वन प्लस आई। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे रियल पार्ट कौन सा है, ये रियल पार्ट है, ये भी जिसमें आई नहीं है वो रियल पार्ट है, वो एक ब्रैकेट में लिख लो, क्या आएगा टू एक्स रियल पार्ट है प्लस थ्री वाई भी रियल पार्ट है, उसके बाद माइनस थ्री ये रियल पार्ट हो गया। उसके बाद यहां पे देखो इमेजिनरी पार्ट ये है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं प्लस माइनस थ्री एक्स प्लस टू वाई प्लस एट, और यहां से कॉमन क्या आ रहा है आई कॉमन आ रहा है। अभी देखो ये थर्टीन इधर मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो थर्टीन इंटू नाइन बाय थर्टीन वन प्लस आई, तो थर्टीन थर्टीन कैंसल, क्या आएगा टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस थ्री प्लस माइनस थ्री एक्स प्लस टू वाई प्लस एट आई विच इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लो ये आएगा नाइन प्लस नाइन आए। अभी देखो स्टूडेंट दोनों साइड में क्या है, देखो यहां पे स्टूडेंट उसके बाद क्या करना है आपको, इक्वेटिंग इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स, या इमेजिनरी पार्ट वी कैन राइट सेपरेटली। यहां पे देखो स्टूडेंट्स थ्री थ्री नहीं आएगा यहां पे, ये फोर माइनस थ्री, फोर माइनस थ्री कितना होता है वन होता है ना, तो यहां पे प्लस वन आएगा, मैंने फोर का काउंट नहीं किया था, प्लस वन आएगा। मैं लिख सकता हूं देयर फॉर टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस वन इक्वल टू नाइन, ये होगा इक्वेशन वन, एंड माइनस थ्री एक्स प्लस टू वाई प्लस एट इक्वल टू नाइन, ये हो गया इक्वेशन टू। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या करना है आपको, इसको सॉल्व कर लो, ये आएगा टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू एट, ये हो गया इक्वेशन थ्री, और यहां पे माइनस थ्री एक्स प्लस टू वाई नाइन माइनस एट वन, ये हो गया इक्वेशन फोर। अभी देखो कोएफिशिएंट सेम लाना है, तो इसको मैं अपोजिट साइन, अगर मैं इसको थ्री से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये सिक्स हो जाएगा, इसको टू से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये सिक्स हो जाएगा, यानी एक्स के कोएफिशिएंट सेम आ जाएंगे। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं मल्टीप्लाई थ्री बाय थ्री, तो इक्वेशन थ्री इंप्लाइज क्या आएगा, इक्वेशन थ्री इंप्लाइज क्या मिलेगा मुझे, थ्री टू जा सिक्स एक्स प्लस थ्री थ्री जा नाइन वाई प्लस एट थ्री जा ट्वेंटी फोर, ये हो गया इक्वेशन फाइव। और यहां पे भी मल्टीप्लाई फोर बाय टू, तो इक्वेशन फोर इंप्लाइज थ्री टू जा माइनस सिक्स एक्स प्लस टू टू जा फोर वाई इक्वल टू टू, ये हो गया इक्वेशन, इसको सिक्स दे दो। अभी देखो एक्स के कोएफिशिएंट सेम है,
ये 6 है यहाँ पे, -6 है, साइन अपोजिट है, क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6, तो 6x प्लस 9y इक्वल टू 24 प्लस -6x प्लस 4y इक्वल टू 2, तो ये तो कैंसिल ही हो गया। 9 प्लस 4 13y इक्वल टू 26, देयरफॉर y इक्वल टू कितना आ रहा है, 22 आ रहा है। ये वैल्यू पुट कर लो किसी इक्वेशन में, भाई ये थर्ड में पुट कर रहा हूं, पुट इन 3, इक्वेशन 3 इंप्लाइज 2x प्लस 3y की वैल्यू 2 विच इज इक्वल टू 8 इंप्लाइज 2x इक्वल टू 8 माइनस 6, तो 2x इक्वल टू 2, देयरफॉर x इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट ये जो हमारा आंसर है, ये लास्ट आंसर जो दिए आपको टेक्स्ट बुक में उससे मैच हो रहा है, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2। तो इस एग्जाम्पल में करेक्शन ये करना आपको कि प्लस दिया है टेक्स्ट बुक में, लेकिन माइनस अगर आप लिखते हो तो लास्ट में जो आंसर दिया है वो आंसर और ये आंसर जो मैंने निकाला है वो मैच हो रहा है स्टूडेंट, ठीक है। और सेकंड और थर्ड सेकंड एग्जाम्पल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, अभी थर्ड और फोर्थ में से एक एग्जाम्पल बता रहा हूं और उसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, इसको आप लिख लो। देखो स्टूडेंट्स ये 24 का थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल थोड़ा सिंपल है, इसको मैं होमवर्क दे रहा हूं। यहाँ पे आपको बोला है स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं था, फाइंड एक्स प्लस वाई, और ये भी बोला है फाइंड एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के बाद एक्स प्लस वाई भी आपको निकालना है। तो जो थर्ड वाला एग्जाम्पल है स्टूडेंट ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये एग्जाम्पल देख लेते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या दिया है, ये एग्जाम्पल है एक्स प्लस टू आई प्लस 15 आई रेस टू पावर 6 वाई इक्वल टू 7x प्लस आई क्यूब इंटू वाई प्लस 4। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आई रेस टू पावर 6 की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं, आई रेस टू पावर 6 यानी आई स्क्वायर इंटू 3, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, -1 इंटू क्यूब विच इज -1, यानी आई रेस टू पावर की वैल्यू कितनी आ रही है, आई रेस टू पावर 6 की वैल्यू -1 आ रही है। वैसे आई क्यूब की वैल्यू फाइंड करता हूँ, आई क्यूब को मैं ऐसे लिख सकता हूँ आई स्क्वायर इंटू आई, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आई, तो ये माइनस आई हो गया, यानी आई क्यूब की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट माइनस आई। ये दोनों वैल्यू मैं यहाँ पे पहले पुट कर रहा हूँ, देयरफॉर एक्स प्लस टू आई प्लस 15 आई रेस्ट पावर 6 की वैल्यू -1 इंटू वाई विच इज इक्वल टू 7x प्लस अगेन आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई और यहाँ पे y प्लस 4। तो ये हो गया स्टूडेंट्स x प्लस 2i प्लस प्लस माइनस 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 15y विच इज इक्वल टू 7x प्लस माइनस माइनस i y प्लस 4। देखो स्टूडेंट ये क्या आएगा, देर फॉर एक्स प्लस 2i माइनस 15y इक्वल टू 7x माइनस वाई आई प्लस माइनस माइनस 4i। अभी क्या कर रहा हूं स्टूडेंट मैं ये सभी वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड में लेके जा रहा हूं, राइट हैंड साइड में जीरो रख रहा हूं, लिख सकता हूं ऐसे एक्स प्लस 2i माइनस 15y, ये माइनस में आ जाएगा, ये माइनस है तो प्लस में आ जाएगा और ये भी प्लस में आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0। तो देखो अभी रियल पार्ट एक ब्रैकेट में लिख लो और इमेजिनरी पार्ट एक ब्रैकेट में, तो x माइनस 15y माइनस 7x ये रियल पार्ट हो गया, प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा, ये 2 प्लस y प्लस 4 इंटू i विच इज इक्वल टू 0। तो सुन देखो यहां पे एक्स माइनस 7x कितना होता है, एक्स माइनस 7x माइनस 6x माइनस 6x माइनस 15y प्लस 2 प्लस 4 कितना होता है स्टूडेंट्स 6 होता है, तो इसका भी एडिशन कर लो, ये आएगा y प्लस 6
इंटू आई विच इज इक्वल टू, देखो ये ए प्लस डी आई के फॉर्म में, तो मैं जीरो को भी किस फॉर्म में लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, जीरो प्लस जीरो आई के फॉर्म में। नाउ इक्वेटिंग इक्वेटिंग रियल एंड इमेजरी पार्ट्स सेपरेटली, तो देयर फॉर क्या मिलेगा, माइनस सिक्स एक्स माइनस फिफ्टीन वाई विच इज इक्वल टू जीरो, ये हो गया इक्वेशन वन, और वाई एंड वाई प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, ये हो गया इक्वेशन टू। तो यहां से मैं वाई की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस सिक्स आ गई। ये वैल्यू आपको स्वयं यहां पे पुट करना है, यहां पे लिखो पुट इन इक्वेशन वन, देयर फॉर इक्वेशन वन इंप्लाइज माइनस सिक्स एक्स माइनस फिफ्टीन, वाई की वैल्यू क्या आती है माइनस सिक्स, ये वैल्यू आपको यहां पे पुट करनी है विच इज इक्वल टू जीरो, इंप्लाइज माइनस सिक्स एक्स माइनस फिफ्टीन माइनस सिक्स वॉट माइनस ट्वेंटी वन विच इज इक्वल टू जीरो, देयर फॉर माइनस सिक्स एक्स विच इज इक्वल टू ट्वेंटी वन, एंड देयर फॉर एक्स इक्वल टू ट्वेंटी वन बाय माइनस सिक्स। आंसर थोड़ा गलत लग रहा है स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट यहाँ पे 15 सिक्स का मैंने यहाँ पे एडिशन किया था, एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन है, 15 सिक्स का कितना होता है 90 होता है, तो यहाँ पे मैंने 21 लिख दिया था, तो ये आएगा माइनस 90 विच इज इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट्स इसको अभी मैं सॉल्व कर सकता हूं, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो माइनस सिक्स एक्स या सिक्स एक्स ऐसा भी लिख सकते हो, माइनस सिक्स एक्स इक्वल टू माइनस 90, therefore x equal to 90 upon 6, 90 upon 6 यानी कितना होता है 6 वन दा 15, बराबर है, तो x की वैल्यू 15 आ गई स्टूडेंट, और y की वैल्यू माइनस 6। अभी हमको क्या बोला है, फाइंड x प्लस y, therefore x प्लस y इक्वल टू x की वैल्यू 15 प्लस y की वैल्यू माइनस 6, तो 15 की वैल्यू 15 माइनस 6 कितना आता है 9, therefore x प्लस y इक्वल टू 9। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना था। तो ये एग्जांपल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, थर्ड वाला एग्जांपल। तो स्टूडेंट्स इसके साथ हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है कॉम्प्लेक्स नंबर की, ये फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। इस एक्सरसाइज में मैंने जहां जहां पे आपको होमवर्क दिए है वो सभी होमवर्क आपको सॉल्व करके ग्रुप में भेजने हैं। अगर आपको कुछ क्वेरीज आए, कुछ डिफिकल्टीज आती है, कोई टॉपिक नहीं समझा हुआ, तो आप मुझे कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज का वीडियो मैं यही पे स्टॉप कर रहा हूँ, थैंक यू।